हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मिश्रा 10th क्लास की विज्ञान के एक और नए वीडियो लेके आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। मैं आप देख रहे हैं राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो है 10th क्लास की जो सीरीज चल रही है साइंस की, NCERT कोर्स के अकॉर्डिंग टू मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर हमारा धातु और अधातु, इसको देखिए। तो दोस्तों, धातु और अधातु की क्या पहचान है? देखो, धातु और अधातु के दो गुण होते हैं। एक भौतिक गुण जो देख के बता सकते हैं, जैसे ठोस है कि द्रव है, भौतिक अवस्था, भौतिक गुण है रंग, उसकी गंध, उसकी प्रकृति, उसका कलर, तमाम चीजें भौतिक गुण देख के बता सकते हैं सूंघ के उसको अपनी इंद्रियों द्वारा। रासायनिक गुण जो होते हैं वो क्रिया के द्वारा पहचानते हैं। ऐसा जो है हमने धातु अधातु के पहले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि 9th क्लास में जो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगरेशन, वो कुल इलेक्ट्रॉनों का होता है और जो कुल इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। तो वो चीज यहां पे काम आने वाली है। और हम ये देख रहे हैं यहां पे कि धातु और अधातु कैसे क्रिया करेगी या कैसी पहचान है। तो एक हम मोटी बात आपको बता दें, एक कॉमन बात बता दें, उसको बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। धातु अधातु की पहचान ये है कि बोरवरी के अनुसार अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो धातु कहलाएगी वो, 1, 2, 3। और यदि बाहरी कक्षा में 5 है, 6 है, 7 है तो वो अधातु कहलाती। एक मोटा आइडिया ऐसा है। जैसे यहां पे हम ये लिया हमने सोडियम या नेट्रियम, ये है इसका परमाणु क्रमांक 11, मतलब नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। बस ना प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और गति नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर गति करते हैं। तो उनको हम बांट देते हैं 2, 8, 1। कितने है वाली को उसमें? 1, मतलब धातु है। अब यहां चलते हैं अपन। एक तत्व है, इसका नाम है क्लोरीन, क्लियर। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब देखना, 17 को हम बांट दिए बोरवरी नियम 2, 8, 7, तो बाहरी कोष में 5, 6, 7 होंगे तो क्या होगी? अधातु, मतलब ये नॉन मेटल है। अब ये कौन सा तत्व बीच में बना दिया हमने? तो ये स्टूडेंट्स देखेंगे बीच में एक नहीं, ऐसा पूरा वर्ग का वर्ग है। हीलियम, नियोन, आर्गन, उन सब की खासियत जानते हैं आप, वो स्थाई है, वो क्रिया नहीं करते किसी से, बिल्कुल अलग, सबसे अलग। और ये जो बाकी तत्व हैं, मतलब धातु, भी वैसा ही बनना चाहते हैं जैसे अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस नाम इनका नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम ऊपर है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी 18 वर्ग के तत्वों में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, 18 वर्ग के ही सब तत्व। तो सोडियम कैसे क्रिया करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला लास्ट वाला, ये देगा किसको? क्लोरीन को। ले भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों का काम बन रहा है। कौन दोनों का काम बन रहा है भाई? ये बन रहा है, देखिए सोडियम का क्या होगा, 2, 8 कैसा हो गया? नियोन जैसा हो गया। हालांकि इस पर धनावेश आ जाएगा, अब इसको सोडियम परमाणु नहीं बोल सकते, सोडियम धनायन बोलेंगे। इसकी बात करते हैं, ये हो गया 2, 8, 8, इसके पास बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, मिल गया ना, तो इसको ऋणायन बोलते हैं, क्लोराइड इसका नाम है। जैसे सोडियम पर धन आएगा और क्लोरीन पर ऋण आएगा तो हम जानते हैं विपरीत आवेश आ गए। धन और ऋण में आकर्षण बल लगता है, ऐसे इसको दिखाती है, आकर्षण बल है। और इसका नाम है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसी को हम आयनिक बंध कहते हैं। तो बात समझ में आई भाई? दोनों ने देखा
कि यार नियान तो स्थाई है, ये तो बिल्कुल स्थाई, कोई क्रिया भी किसी ऊर्जा ही कम है उसकी, कम ऊर्जा से होता है स्थायित्व। ऊर्जा और स्थायित्व विपरीत है, एनर्जी एनर्जी कम होगी स्थायित्व ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी स्थायित्व कम होगा, माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते ही। तो धातु सोडियम ने एक त्याग इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है किसके पास, क्लोरीन के पास, उसके पास आठ हो गए, दो आठ आठ, ये क्या बन गया नियॉन, और ये क्या बन गया आर्गन, क्लोरीन आर्गन बन गया और सोडियम का व्यवहार नियॉन जैसा हो गया। आयसन में कैसे क्रिया करते धातु धातु, और आइए वाइस हम कुछ नए एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ये गंधक है, सल्फर इसका नंबर है 12, 282, इसका है 16, 286। तो पहले ये डिसाइड कर ले कौन सा धातु है, तो ये ट्रिक बता लिया, बारीकोस में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो धातु होगी, बारीकोस में कितने हैं 6 अधातु होगी, दो कम है मतलब 8 में दो कम अर्थात 6, 8 एक था एक कम, दो दो कम, तो इस बार इन दोनों में पार्टनरशिप होगी, साझी सॉरी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। देखो ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसने दिया दो इलेक्ट्रॉन, दोनों ने दे दिए, अब देखते क्या हाल होता है। देखो जितने इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु त्यागता है उतने उस पर आवेश आ जाते हैं, त्यागने वाले पर धन, ग्रहण करने वाले पर ऋण, ऐसा क्यों होता है। देखो वाइस जो त्यागते हैं उनमें प्रोटॉन पहले से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब प्रोटॉन बढ़ जाते क्या, प्रोटॉन कोई ग्रहण नहीं करता, एक्चुअली प्रारंभ में प्रोटॉन धनात्मक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक की संख्या बराबर है और दोनों कणों का आवेश बिल्कुल बराबर, 1.6×10⁻¹⁹ एक में ऋण एक में धन, ऐसा हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, उसको देख लीजिए आप, लिंक देख लीजिए। तो मैग्नीशियम इस बार दो त्यागे और सल्फर ने दो ग्रहण किए, आर्यवासन में अष्टक का क्या हुआ देख लेते हैं, पर 2, 8 दो आठ छह थे, दो और बढ़ गए, इसका आर्गन ऐसा, इसका जो निकटतम अक्रिय गैस होगी उसके पास जाएगा, वो जैसे 9 है 8 है 7 है 10 के पास जाएगा, 11, 12, 10 के पास जाएगा, लेकिन 16, 17, 15, 19, 20 ये सब 18 के पास जाएंगे, पड़ोस में जाते हैं स्थायित्व देख के ही, पड़ोस में कोई अंकल की बहुत बड़ी जॉब लग गई, IAS बन गए, तो आप भी उनसे प्रेरित होंगे, यार पता उन सबके सब तैयारी की, अपन मिलने जाएंगे पढ़ेंगे कि नहीं, मुबारकबाद देंगे, कांग्रेचुलेशन करेंगे, तो ये सब स्थाई है तत्व, तो ये सब इनकी कॉपी करते हैं। चलिए इस पे आया 2+, इस पे आया 2-, और दोनों के प्लस माइनस कैंसिल हो गए, एक ही हो गया, एक बन गया नया तैयार मैग्नीशियम सल्फाइड। क्या नाम इस कंपाउंड का, मैग्नीशियम सल्फाइड, दो दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, धातु ने तो दिए मैग्नीशियम, उसने ग्रहण किए, तो धातु अधातु की पहचान है। और अब हम चलते हैं जो यौगिक बनते उनके गुण समझा रहे हैं, आयनिक यौगों के गुण, वैद्य संयोजी कहते हैं, आयनिक यौगों के दूसरे गुण कौन से, क्या नाम है दूसरा, वैद्य संयोजी यौगिक, वैद्य संयोजी यौगों के गुण, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इसको देखते हैं। सबसे पहले भौतिक अवस्था, ये सभी ठोस होंगे, क्यों भाई ठोस क्यों होंगे, इसका मुख्य कारण है इनमें धनायन और ऋणायन में बल लगना, इतने मजबूती से बल लगी रहती, ये बल लगे हुए देखो, और ये कहलाते स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, कूलम के नियम का पालन करते हैं और खिंचाव रहता है धनायन ऋणायन में, इसलिए हमेशा ये ज्यादातर 80-95% ठोस अवस्था में रहते हैं। क्रिस्टल संरचना क्या होती है, देखिए मैंने क्रिस्टल बना दिया आपको, एक दिखाते हैं क्या बना दिया है क्रिस्टल, वीडियो के लास्ट में हम आपको प्रैक्टिकली क्रिस्टल बताएंगे। देखो इसके कोनों पर, ये देखिए इसके कॉर्नर पर
वीडियो के लास्ट में ये पूरा बना हुआ मेरे पास प्लास्टिक का फाइबर क्रिस्टल्स को मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। यहां धन आयन, यहां ऋण आयन, यहां धन आयन, ये बल लगे हुए हैं। तो इसके जो आयनों का गुच्छा है, क्रिस्टल क्या है, आयनों का गुच्छा, धन आयन ऋण आयनों का जो बल लगे हैं, वो बल आपस में ऐसे ग्रुपिंग में रहते हैं कि कोई घन बन जाता है, कोई घना बन जाता है, कोई चतुष्फलक बन जाती है। ठोस अवस्था में और ज्यादा पड़ेगी, 12वीं क्लास की जो ठोस अवस्था है। तो यहां तो अवित्यंत का चल रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए। इनकी क्रिस्टल संरचना आयनों से बनी रहती है। गलनांक एवं क्वथनांक, गलन का अंक और क्वथन का अंक। गलन माने क्या होता है, पिघलना। क्वथन माने क्या होता है, उबलना, उबलने का ताप और पिघलने का ताप। गलनांक क्या होता है, किसी ठोस का वह ताप जिस पर वह गल जाए, पिघल जाए, जैसे बर्फ ठोस है 0 डिग्री पे पिघल जाता है। यदि -2 रहेगा तो बर्फ रहेगा, और यदि 2 हो जाएगा तो पिघल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। लोहे की बात, 1300 डिग्री सेल्सियस पिघलता है, तो लोहे का गलनांक ज्यादा है, बर्फ का कम है। इसी प्रकार द्रवों का क्वथनांक, इनके गलनांक क्वथनांक हमेशा उच्च होते हैं। इसका कारण भी इनमें लगने वाले प्रबल आकर्षण बल है, घुलनशीलता या विलेयता। देखो भाई, समान समान को भूलता है। देखो भाई, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था NaCl का, हम उदाहरण देंगे NO3 का। जितने अकार्बनिक यौगिक हैं वे जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील नहीं होते हैं। समान समान को घुलता है। कैसा समान, मैं समझा देता हूं आपको। देखो, ये कुछ हमने कार्बनिक यौगिक लिख दिए, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, एसिटलेन, एथेन, ये इसमें घुल जाएंगे। इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, दिख रहे हैं आप, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये विलायक है दोनों, और ये यौगिक। इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है। जैसा यौगिक वैसा विलायक, अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक, समान समान को घोलता है। इस थ्योरी है आयसन में लाइक डिजोल्व लाइक, विद्युत चालकता। एक बात बता दें, जितने आयनिक यौगिक हैं, मतलब धातु या धातु से बनते हैं, वो ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं करते, चालक हैं। लेकिन पिघली अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत का प्रवाह करते हैं। क्या होता है, क्यों पिघलने, क्या होता है, देखिए, जब इनको पिघलाते हैं ना, तो इनके धनायन ऋणायन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, इस प्रकार से चले जाते हैं। ये देखिए, ये फैल गए, इसलिए इनको दो अवस्थाएं हैं। पिघली माने इनको गर्म करके पिघला लो गलनांक पर, गलनांक से ऊपर, और विलयन माने पानी में घोल लो, तो वो विलयन अवस्था है। दोनों में विद्युत का प्रवाह करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था विद्युत का प्रवाह नहीं करते, क्योंकि गति नहीं हो सकती आयनों की। भाई विद्युत माने आवेश, तो आवेश ले नहीं जा पा रहे, धनायन ऋणायन को पकड़े खड़ा है, और ऋणायन धनायन को इन बलों से, तो वो आवेश नहीं ले जा पाते। लेकिन जैसे ही पानी में घोलेंगे, जैसे ही पिघलाएंगे, तो तुरंत धनायन उधर भाग जाएगा, ऋणायन इधर चला जाएगा, कैथोड एनोड की तरफ जाते हैं, जो है कैथोड एनोड की तरफ जाते हैं, विपरीत आवेश की तरफ जाते हैं, और वो विद्युत का प्रवाह करने लगते हैं। तो ये आपने आयन के यौगिक के गुण देखे, और ये जो है धातु अधातु की पहचान समझी 10th क्लास की, जो है भाग दूसरा है। इसके पहले जो मैंने धातु अधातु पहला भाग पढ़ा है, तो उसको अवश्य देखें आप, और पूरे चैप्टर 10th क्लास के सभी विज्ञान के चैप्टर हम एक एक करके आपको पूरे समझा देंगे। अभी लगभग 14-15 वीडियो में अपलोड है, तो एक एक करके अम्ल क्षार लवण कार्बनिक यौगिक उधर पे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन भाइयों का सभी चैप्टर से करवा रहा है। तो लगातार देखते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन, जितने भी आपके पहचान वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले, सभी को बोलिए आप कि नॉलेज का चैनल आया है राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। सब्सक्राइब। तो मैंने कहा था कि जो सोडियम क्लोराइड है क्रिस्टल संरचना, तो इस प्रकार से इसको मैं लाया, देखिए आप 10th क्लास में रख लीजिए। तो ये आप जानते हैं, इसे मैथ्स में पढ़ते हैं आप, ये घन है, एक क्या है, घन। और इसके कोने कोने पर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर
यहाँ पर एक सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन, इस प्रकार सोडियम क्लोराइड रहते हैं। और हम आपको बता दें कि सोडियम क्लोराइड के एक कोशिका ये कहलाता है क्रिस्टल कहलाता है, क्रिस्टल की छोटी सा सबसे छोटा घटक मतलब कोशिका कहलाता है, उसमें चार NaCl के अणु रहते हैं। ऐसा कैलकुलेशन की व्यवस्था रहता है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए और समझ लीजिए आप। धन्यवाद।